समय पर अगर हम कोई काम नहीं करते हैं तो समय बीत जाने पर हमको बहुत पछताना पड़ता है। कहीं जाना हो तो रेलवे स्टेशन पर समय से पहुंचना पड़ता है। अगर हम समय से नहीं पहुंचेंगे तो ट्रेन चली जाएगी और टिकट के पैसे बेकार जाएंगे, और जहां पहुंचना होगा किसी की शादी में कहीं किसी काम से, वहां भी पहुंच नहीं पाएंगे तो वहां भी काम बिगड़ेगा, यहां टिकट के पैसे बिगड़ेंगे और समय भी बिगड़ेगा। अगली ट्रेन का इंतजार करो। फसल का बीज बोने का भी एक खास समय होता है, उस समय पर ही बीज बो दिया जाए तो फसल अच्छी होती है। पर समय बीत जाने पर फिर हम बीज बोएं तो फसल तो होगी पर उतनी पैदावार नहीं होगी जितनी ठीक समय पर बीज बोने पर हो सकती थी। उसी प्रकार फसल काटने का भी समय होता है, फसल ठीक से ठीक समय पर काट दो नहीं तो फिर बारिश में आंधी में तूफान में अनाज खराब हो जाए, क्या पता। किसी के यहाँ शादी हो और बुलावा आए कि आप हमारे यहाँ शादी पर आइए, और हम उनको कहें कि भाई साहब अभी तो समय नहीं है, 15 दिन के बाद हम आएंगे आपके पास, तो फिर जाने का फायदा क्या। उस दिन नहीं गए, उनके घर पर प्रसंग है, बेटे बेटी की शादी है, उस दिन नहीं गए और बोले हम 15 दिन के बाद आएंगे, तो तब जाने का कोई फायदा नहीं है। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि सीता जी की खोज करो, हनुमान जी ने मौके को समय को पहचान लिया और निकल पड़े, समुद्र पार किया, राक्षसों को मारा, सीता जी को अंगूठी दे दी, लंका को जलाया, लौट कर आए, समय पर सब काम किया ना। लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो समय पर वैद्यराज को ले आए, वैद्यराज ने कहा सूरज उगने से पहले बूटी ले आना, तो समय से दवाई भी लेकर आए, सब काम समय से किया तो लक्ष्मण जी के प्राण बचे, सीता जी की खोज करने में सफल हुए। राम काज के लिए पूरा जीवन लगा दिया और अपने आप में धन्य हो गए। पर अगर हनुमान जी ने कहा होता कि राम जी भगवान अभी तो समय नहीं है, 1 साल के बाद हम सीता जी की खोज शुरू करेंगे, तो हनुमान जी ने संकेत दिया है कि ठीक समय पर काम कर लो। ऐसा ना सोचो कि अगले साल देखेंगे, महीने के बाद देखेंगे, अनुष्ठान करना है तो आज शुरू कर दो। बोले नहीं अभी नहीं, अभी जरा हम व्यस्त हैं, चाचा के बेटे की शादी है, उसके बाद हम अनुष्ठान शुरू करेंगे। नहीं नहीं, ठीक समय पर ठीक काम कर दो, देर मत करो। देवराज इंद्र, आपको कितने उदाहरण दें, देवराज इंद्र दधीचि ऋषि के पास गए और कहा कि वृत्रासुर का वध करना है और उसके लिए मुझे आपकी अस्थियां चाहिए, आपकी अस्थियों से जो अस्त्र बनेगा, जो वज्र बनेगा, उससे मैं उस वृत्रासुर को मारने में सफल हो जाऊंगा। महर्षि दधीचि ने मौके को पहचान लिया कि वैसे भी ट्रेन अकस्मात में, कार अकस्मात में, प्लेन अकस्मात में कई लोग मर जाते हैं, कई लोग किसी बीमारी से मर जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, उच्च उद्देश्य के लिए अपनी अस्थियों का दान करना पड़े तो कोई बात नहीं, देवताओं का काम तो हो जाएगा ना। महर्षि दधीचि ने सहर्ष अपनी अस्थियों का दान कर दिया और उससे देवताओं का काम हो गया। कितना ठीक अवसर को, समय को पहचान कर उस समय वो काम कर दिया। रामकृष्ण परमहंस ठीक समय पर नरेंद्र के पास पहुंचे कि बेटे अभी ये काम करना है तुमको, थोड़ा साधना के लिए, आध्यात्मिकता के लिए समय देना है और साथ साथ देश की सेवा के लिए भी समय देना है, देश में जागरूकता लाने के लिए भी तुम्हें थोड़ा समय देना है। विवेकानंद ने समय को पहचान लिया, गुरु की आज्ञा शिरोधार कर ली और गुरु के बताए अनुसार साधना शुरू कर दी, सिद्धि पाई और देश सेवा के, राष्ट्र सेवा के और गरीबों की सेवा के कितने अच्छे और दिव्य कार्य स्वामी विवेकानंद के द्वारा संपन्न हो गए। चाणक्य ने जाकर चंद्रगुप्त को कहा कि अभी समय है चंद्रगुप्त, चाणक्य खुद गए उसको संकेत करने के लिए। उस समय किसी ने ऐसा नहीं कहा कि अरे एक महापुरुष होकर एक राजा के पास जा रहे हैं, नहीं नहीं, चाणक्य ढूंढते ढूंढते चंद्रगुप्त के पास पहुंचे, चंद्रगुप्त
अभी समय है भारत राष्ट्र की सेवा करने का। तुम ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे तो काम नहीं चलेगा, जल्दी करो, समय को पहचानो, अवसर को, और लग जाओ। और चंद्रगुप्त महात्मा चाणक्य की बात मानकर सेवा के कार्यों में जुट गए। भगवान वामन राजा बलि के पास गए और राजा बलि को कुछ संकेत दिए। भगवान ने राजा बलि के पास जाने में ऐसा नहीं सोचा कि वो तो एक राजा है और मैं तो साक्षात परमात्मा हूं, परमात्मा को एक राजा के पास जाने की क्या जरूरत है। परमात्मा ने ऐसा नहीं सोचा। परमात्मा कोई हम लोगों की तरह संकीर्ण हृदय वाला नहीं है, कृपाना ध्यान देना। जब भगवान रामचंद्र जी ने देवताओं के राजा इंद्र के भेजे हुए रथ पर बैठकर रावण से युद्ध शुरू किया, तब ये प्रसंग सुनाते सुनाते एक संत से किसी ने सवाल किया कि भगवान राम को देवताओं के राजा इंद्र ने रथ भेजा? बोले हाँ भेजा। अच्छा तो महाराज रथ युद्ध के पहले दिन भेजा कि बाद में भेजा था? बोले बाद में भेजा था, युद्ध शुरू हुआ उसके तीसरे दिन रथ भेजा गया था इंद्र के द्वारा। तो महाराज वो आदमी कहता है संत को कि महाराज अगर भगवान राम की जगह पर मैं होता ना तो इंद्र के भेजे हुए रथ को ठुकरा देता, मैं उस पर बैठता नहीं। संत बहुत जोर से ठहाका मार के हंसे, बोले यही अंतर है तुम्हारी बुद्धि में और भगवान की बुद्धि में। तुम्हारे जैसी संकीर्ण बुद्धि भगवान की नहीं है, तुम्हारे जैसा एक दायरा दिल भगवान का नहीं है, उनका दिल दरिया दिल है, तुम्हारा दिल दायरा दिल है, दरिया दिल है उनका, कोई बात नहीं। बोले तीसरे दिन ही सही इंद्र को सद्बुद्धि तो आई, उसने रथ भेजा। कई लोग संकीर्णताओं में जीते हैं कि भगवान विष्णु वामन होकर बलि राजा के पास गए। अरे नहीं नहीं नहीं, उनको नहीं जाना चाहिए था। अरे वो भगवान है, किस समय क्या करना क्या न करना उनको अच्छी तरह पता है। भगवान विष्णु ने ठीक समय पर वामन रूप लेकर बलि राजा के पास जाकर सारा संभाल लिया और बलि राजा भी धन्य हुए, वहां इंद्र देवता भी धन्य हुए, सबका भला हो गया। समर्थ रामदास ने ठीक अवसर पर छत्रपति शिवाजी राजा थे, उनको संकेत कर दिए कि ऐसा करना है ऐसा करना है। समर्थ रामदास खुद भी गए थे और छत्रपति शिवाजी ने अपने गुरु समर्थ रामदास के संकेत झेलकर और ठीक समय पर ठीक काम करके अपना कल्याण किया और समाज सेवा के भी उत्कृष्ट कार्य छत्रपति शिवाजी के द्वारा संपन्न हुए। अर्जुन ने भी मौके को पहचान लिया और भगवान को कह दिया करिष्ये वचनम तवः, मैं आपको वचन देता हूं कि आप जो कहोगे वही मैं करूंगा। भगवान ने ये नहीं सोचा कि ये तो पांडव हैं और वो उधर कौरव हैं, पांडव और कौरवों की आपस में लड़ाई है, मुझे बीच में पड़ने की क्या जरूरत है, मुझे पांडवों का पक्ष लेने की क्या जरूरत है, मैं तो भगवान हूं, मुझे तो कौरवों का भी पक्ष लेना चाहिए। नहीं, भगवान ने तो पांडवों का पक्ष लेकर और अर्जुन का रथ चलाना भी स्वीकार कर लिया। है तो एक सारथी का काम रथ चलाना, बाहर से देखा जाए तो बहुत छोटा काम है, पर फिर भी भगवान ने उसे छोटा ना समझा, बड़ा महत्वपूर्ण समझा। तो साधारण व्यक्ति की सोच भी साधारण होती है, पर साधक की सोच बहुत ऊंची होती है, भक्त की सोच बड़ी पवित्र होती है। भक्त का चिंतन वो निकृष्ट चिंतन नहीं होता, बड़ा उत्कृष्ट चिंतन होता है। साधक की मति प्रत्युत्पन्ना मति होती है, ऊंची बात सोचता है। महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, इन्होंने भी ठीक समय पर अवसर को पहचान कर लोक मंगल के लिए अपने आप को आगे बढ़ाया, तो परिणाम कितने सुंदर आए। हम भी अवसर को पहचाने और जितना हो सके अपने करुणा के सागर गुरुदेव का सानिध्य लाभ अधिक से अधिक लें। जो रहते हैं अपने सदगुरु के निकट, कोई परिस्थिति नहीं उनके लिए विकट। ध्यान दें, जो रहते हैं अपने सदगुरुदेव के निकट,
कोई परिस्थिति नहीं उनके लिए विकट, दुनिया भर की खुशियां जाती है उनको लिपट, खुशियां उनको लिपट जाती है, सफलता उनको लिपट जाती है। इसलिए अपने गुरु के निकट रहे, ये अवसर है, ये कलयुग है। देखो इंसान का मन कैसा, रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, विवेकानंद के गुरुदेव, के हाथी को नहलाया, हाथी को नहलाने के बाद अगर उसको खुला छोड़ देंगे ना तो वो फिर बाहर जाकर सूंड में मिट्टी उठाकर अपनी पीठ पर डालेगा, फिर गंदा हो जाएगा। पर हाथी को नहलाने के बाद अगर उसको बाड़े में बांध दिया जाए तो वो फिर गंदा नहीं होगा, मिट्टी अपने सिर पे नहीं डालेगा, ऐसी ऐसी जगह पर उसको बांध दिया जाए, रख दिया जाए। मानव का मन भी, रामकृष्ण देव कहते थे, मानव का मन भी ध्यान करने से, जप करने से, गुरु की भक्ति करने से, गुरु का सानिध्य सेवन करने से, सत्संग सुनने से शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो गया फिर उसको स्वतंत्र मत छोड़ दो, क्योंकि संसार में पवित्रता भी है और संसार में गंदगी भी है। सुअर है ना, सुअर, सुअर का पता है कि वो हमेशा गंदगी के पास ही मिलेगा, गटर के पास ही मिलेगा। भंवरे का पता है कि वो फूल के पास ही मिलेगा, पर मक्खी का कोई पता नहीं, वो फूल पर भी मिल सकती है तो गटर के पास भी जा सकती है। मंदिर में भी जाती है मक्खी तो मदिरालय में भी जाती है, पैर पर भी बैठती है तो सिर पर भी बैठ जाती है। मक्खी का कोई पता नहीं, वो कहीं भी आती जाती है। ऐसे ही व्यक्ति के मन का भी ठिकाना नहीं है, कब एकदम पवित्र तम विचार में लग जाए और कब एकदम हलकट विचार करने लग जाए, कब उत्कृष्ट चिंतन में लग जाए और कब निकृष्ट चिंतन में लग जाए, पता नहीं है। तो मन को भी एक बाड़े में बांध दिया जाए, स्वतंत्र छोड़ा न जाए। भगवान राम के भाई भरत जी से पूछा गया कि राम जी वन में गए, आप उनको लेने के लिए भी गए थे कि अयोध्या चलो, राजगद्दी पर आप ही बैठो, पर राम जी ने आपको चरण पादुका दे दी, आपने चरण पादुका अयोध्या जी की राजगद्दी पर रख दी, आप चरण पादुका से पूछ पूछ कर राज्य का कारभार संभालते हैं, पर एक बात बताओ भरत जी, आप अयोध्या के महल में न रहकर ये नंदीग्राम में पर्ण कुटीर घास की कुटिया बनाकर क्यों रहते हैं? आप अयोध्या में रहिए ना, राजगद्दी पर तो आप बैठे नहीं हैं, फिर आपको यहां कुटिया में रहने की जरूरत क्या है? भरत जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। भरत जी ने कहा कि देखो भाई, कोई आदमी सोना बेचने के लिए जाए तो सोनार जो होगा वो सोने की कसौटी करेगा एक बार कि असली है कि नकली है, कि पानी चढ़ा हुआ है, ये व्यक्ति मेरे को ठगने तो नहीं आया। सोनार सोने की कसौटी करेगा और एक बार कसौटी करने के बाद कि हाँ असली सोना है, फिर उसको रख देगा, फिर वो बार बार उसको कसौटी पे कसेगा नहीं। भरत जी कहते हैं सोनार तो सोने को एक बार कसौटी पर कसे, असली जानकर रख दे, पर इंसान को अपने मन को बार बार कसौटी पे कसना चाहिए, बार बार उसकी लगाम खींचनी चाहिए कि सवार मजबूत है। तो मन को एक बाड़े में बांध दें, गंदगी से बचाए रखने के लिए बाड़े की जरूरत है, जिससे गंदगी की संभावना वाले स्थानों में मन न जा सके। और ईश्वर भजन, सदगुरु का भजन बड़ा सुंदर बाड़ा है, उसमें अपने मन को हम रख दें, उसी से संसारिक संसर्ग से उत्पन्न दोष और मलिनताओं से बचाव संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। ये गंदी चैनलें, ये गंदे पोस्टर, ये कुछ ऐसे लोग तरह तरह के, उनके तरह तरह के संकल्प, वो हमको फंसाएंगे। अपने जीवन के स्थायी लक्ष्य की याद बनी रहेगी गुरु भजन, ईश्वर भजन रूपी बाड़े से, इसलिए उसको बनाए रखें, उसमें रहें। जिन्हें भी मिलता, ध्यान देना, जिन्हें भी मिलता सदगुरु का संग है, करती न माया उनको कभी तंग है। जिनके जीवन में सदगुरु के द्वारा दिए हुए नियम कभी भंग नहीं होते, होते न गुरुवर द्वारा दिए नियम जिनके कभी भंग हैं, उनको चढ़ जाता भक्ति का रंग है,
उनको भक्ति का रंग चढ़ जाता है और आ जाता जीवन जीने का उनको सही ढंग है, उनको जीने का एक सही ढंग आ जाता है। बाकी तो ढोंग से जीवन जीते हैं, आडंबर से जीवन जीते हैं। जीवन ढोंग से नहीं, जीवन ढंग से जिया जाए। तो फिर से याद रख लें इसको, जिन्हें भी मिलता सदगुरु का संग है, करती न माया उनको कभी तंग है, होते न गुरुवर द्वारा दिए नियम जिनके कभी भंग है, उनको चढ़ जाता भक्ति का रंग है, आ जाता जीवन जीने का उन्हें सही ढंग है। सही जीवन जीने की कला आ गई, एक ऐसी रीत मिल गई कि जीवन में प्रीत वो प्रकट हो गई। एक खाली बोलने की बात नहीं कृपानाथ, वक्तव्य तभी सफल है जब वक्तव्य कर्तव्य दिखने लग जाए और वो जीवन में क्रियान्वित हो जाए। वक्तव्य केवल वक्तव्य न हो, वक्तव्य कर्तव्य हो, तभी बोलने वाले का वक्तव्य सार्थक है। बाकी वक्तव्य खाली वो वक्तव्य भी कर रहा है, बोल रहा है, वो वाणी का विलास है। वक्तव्य जिसका कर्तव्य बन गया है उसका जीवन सफल है, उसका जीवन सार्थक है। तो सदगुरु का संग, चंदन का पेड़ जहां होगा वहां चंदन की सुगंध आएगी ही, चंदन के समीप वाली झाड़ियों का सुगंधित हो जाना स्वाभाविक है। स्वाति बूंद के संयोग से सीप में मोती पैदा होना स्वाभाविक है। पारस को छूने से लोहे का सोना बनना स्वाभाविक है। साधारण पानी का गंगा जल में मिलने से पवित्र हो जाना स्वाभाविक है। पानी का दूध से मिलकर उसी भाव बिकना स्वाभाविक है। दूध में पानी डाल दिया और वो उसी भाव, दूध के भाव बिकने लग गया। और बिंदु का सिंधु में मिलकर सुविस्तृत हो जाना ये भी स्वाभाविक है। अगणित उदाहरण है, मैं कौन कौन से दूं। पारस से लोहे का छूना फिर उसको सोना बन जाना स्वाभाविक है। ऐसे ही साधक को, भक्त को सदगुरु का संग मिल जाए तो उसे जीवन जीने का सही ढंग मिल जाए, ये स्वाभाविक है। वो मुक्त हो जाए स्वाभाविक है। एक बार बापूजी टिहरी हिमालय में थे, एक साधक की सेवा से और भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गए और बापूजी ने उस सेवक को कहा, तुम जो मांगोगे वो आज मिलेगा, बोलो क्या मांगते हो, क्या चाहिए, जो भी मांगोगे आज मिल जाएगा। तो मुझे बड़ी हंसी आई उसकी मांग सुनकर। उसने बापूजी से कहा, बापू मुझे मुक्ति चाहिए। मैंने सोचा मन में कि क्या मांगा तूने, मुक्ति। अरे प्रेमी शिष्य को बंधन लगता ही नहीं जो मुक्ति की मांग उसको महसूस हो। प्रेमी शिष्य के जीवन में उसको बंधन लगता ही नहीं है। मुझे एक दो दिन पहले भी एक लड़के ने पूछा कि आप बापूजी के सानिध्य में रहते हो तो आपको कैसा मन में होता है, कैसा लगता है और आप क्या मांगना चाहते हैं बापू से, क्या मांगते हैं। उसके कहने का अभिप्राय यह था, मैंने कहा प्रेमी शिष्य को बंधन लगता ही नहीं है तो वो मुक्ति की मांग भी गुरु से क्यों करे। जब मुक्ति की मांग भी गुरु से शिष्य नहीं करता तो और किसी दुनियावी चीजों की तो बात ही क्या है। मुक्ति की मांग भी प्रेमी भक्त को तुच्छ लगती है तो और दुनिया की चीजें क्या महत्व रखती है जो वो शिष्य अपने गुरु से उस चीज की मांग करे कि मुझे ये चाहिए। मोक्ष भी तुच्छ लगता है, मुक्ति भी छोटी है। मुक्ति की क्या परवाह करे। मैं तो पहले भी एक दो बार कह चुका हूं सत्संग में कि मेरे लिए मोक्ष मेरे गुरुदेव के द्वार की चरण रज, बापूजी की चरण रज, आश्रम की धूल ही मेरे लिए मोक्ष है, और क्या चाहिए। विवेकानंद बोलते थे कि मैंने मेरे गुरुदेव में सजीव ईश्वर को देखा है, चलता फिरता ईश्वर बोले मेरा गुरुदेव है। ये विवेकानंद के शब्द है, मैं और कहां जाऊं। योग वशिष्ठ महारामायण में कथा आती है, ध्यान देना, करकटी नाम की एक राक्षसी थी, वो जीवों को भक्षण किया करती थी, खा जाती थी मनुष्यों को, महात्माओं को भी खा जाती थी। सुनना महात्मा जी, कहीं मिल ना जाए करकटी।
महात्माओं को खा जाती, कईयों को। कथा बहुत लंबी है, मैं विस्तार में नहीं जाऊं। ब्रह्मा जी ने करकटी को कहा कि करकटी ध्यान रखना सदैव मेरी एक बात को, कि किसी को मारने से पहले, खाने से पहले पक्का कर लेना, जान लेना कि ये मारने योग्य है कि नहीं। अगर कोई आत्मवेता महापुरुष हो तो निश्चित जानना वो मारने योग्य नहीं है, वो तो वंदना करने योग्य है, वो प्रणाम करने योग्य है, वो उपासना करने योग्य है, उसको मत मारना। तब से करकटी राक्षसी फिर प्रश्न करती और फिर जो समाधान करते वो उनको प्रणाम करती, उनकी वंदना करती। करकटी ने ब्रह्मा जी के आदेश का अनुसरण किया। अनुकरण करने की जरूरत नहीं है, देखा देखी, अनुसरण करने की जरूरत है। अनुसरण माने महापुरुषों ने जो कहा उनके वचनों के अनुसार अपना जीवन बनाने की जरूरत है, तो यह लोक सुखी परलोक सुखी। फिर तो व्यक्ति का वचन वो शास्त्र वचन हो जाएगा। एक आदमी को गाने का बहुत शौक था, कुछ लोगों को इकट्ठा करके और बस वो गाने लग जाता, बड़ा बड़ा शौक था। एक दिन कुछ अच्छे लोग मिल गए, कुछ अधिकारी, कुछ साहब लोग भी मिल गए, तो उनके सामने उसने गाना शुरू किया। गाता जाए एक दो तीन चार पांच छह गीत गा दिए। फिर बाद में कहा, साहब आप जरा बताइए आपको मेरा गाना पसंद आया कि नहीं आया। साहब ने कहा कि अरे आपको तो रेडियो और टीवी पर गाना चाहिए। बोले अच्छा ऐसी बात है, आपको इतना पसंद आया मेरा गाना कि आप बोलते हैं कि मेरे को रेडियो और टीवी पर उसमें प्रोग्राम देना चाहिए, गाना चाहिए। बोले मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि आपको रेडियो और टीवी पर गाना चाहिए, कम से कम उसको मैं बंद तो कर सकता हूं जब आपका गाने के लिए आएगा। आप तो गाते जा रहे थे, मैं कैसे बंद करूं? टीवी पर आता होगा, कम से कम मैं टीवी ऑफ तो कर सकता हूं, रेडियो बंद तो कर सकता हूं, आप तो रेडियो और टीवी पर ही गाया करो। व्यक्ति को कई बार ऐसा लगता है कि अपन तो बहुत ये हो गए, मैंने ये पा लिया, मेरे को ये आ गया, मेरे को वो आ गया। पर भाई साहब, जब तक परमात्म ज्ञान नहीं पाया तब तक जो भी जाना है वो सब मृत्यु के एक झटके से अनजाना हो जाएगा। इसीलिए गुरु चरणों में बैठकर गुरु वचनों का अनुसरण करें।